हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बबीता जगवान, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रेस्टीज का सैंडविच मेकर है तो इसको कैसे यूज़ करें। जो ये प्रेस्टीज का सैंडविच मेकर देख रहे हैं आप, ये है इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये जो सैंडविच मेकर है प्रेस्टीज का है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसे यूज़ करना है। तो पहले आप ये देख रहे होंगे जो ये बटन है यहाँ पे, ये ओपन एंड क्लोज करने का होता है। और ये जो ग्रिल प्लेट है आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी है, आप अच्छा क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं कि मैं आपको पूरा वीडियो में शो करूंगी कि कैसे मैंने इसे यूज़ किया। और ये थोड़ा सा ऑयल है, आप जब भी सैंडविच बनाएंगे, चाहे वेजिटेबल वाली हो या कोई भी चीज़ आप इसमें फिल कर रहे हो, तो आपको पहले जो इस ग्रिल प्लेट है इसको ग्रीस कर देना है ऑयल या बटर या घी वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहें, और अच्छी तरह दोनों साइड में प्लेटों को ग्रीस करना है। फिर आप देखेंगे कि इसमें आपने ब्रेड को जो सैंडविच बनाया था वो रख दिया, देन इसको क्लोज कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह क्लोज हो गया है और मैंने स्विच ऑन कर दिया है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें रेड जो बत्ती जल रही है, एक रेड है और एक ग्रीन है। तो जब ये हम स्टार्ट करते हैं तो ये रेड बत्ती जलती है और जब ये अच्छी तरह ग्रिल होने लगेगा तो ये आप देखेंगे कि इसमें ग्रीन भी लाइट जल जाएगी। तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि इसमें दोनों साइड में जो ग्रीन लाइट थी और रेड कलर की थी, तो इसमें दोनों तरफ ही लाइट जलने लगी है। और आपको देखना है कि जब ये आपका ब्रेड जो आपने रखा है सैंडविच बना के, तो वो ग्रिल हो जाएगा तो दोनों साइड लाइट जलने लगेगी। और कभी कभी इसमें हल्का धुआं भी आने लगता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्रंची चाहिए या सॉफ्ट ब्रेड चाहिए। तो जब इसमें धुआं आता है हल्का सा, तो उससे पता चलता है कि ये आपकी बहुत अच्छी तरह सिक गई है। मैंने ये अपने अनुसार इसमें लाइट ब्राउन करी थी, ज़्यादा क्रंची नहीं की थी। और आप इसमें साउंड भी सुन रहे होंगे कि ऑलमोस्ट क्रंची हो चुकी है मेरी सैंडविच। और आप भी चाहो तो ऐसा सैंडविच मेकर ले सकते हैं, वैसे अलग अलग कंपनी का आता है और सभी बहुत अच्छे होते हैं, बट मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप सैंडविच मेकर को कैसे यूज़ करेंगे। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि सैंडविच कैसे बनाया जाता है। हर कोई डिफरेंट तरीके से बनाता है, आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो में काफ़ी था मेरा सिंपल था। और इसको कैसे क्लीन करना है, आप चाहे तो इसको नैपकिन से क्लीन कर सकते हैं, टिश्यू पेपर जो होता है, या फिर आप कॉटन के सॉफ्ट क्लॉथ ले सकते हैं, तो ये नॉर्मली ये क्लीन हो जाता है। पानी से भी कुछ लोग वॉश करते हैं, बट ये मैं तो परफेक्ट करूँगी कि आप नैपकिन या क्लोथ से ही क्लीन करें, क्योंकि ये इतना गंदा होता नहीं है और इससे ईजिली क्लीन हो जाता है। थैंक यू।